हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ाने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल ये एप्लीकेशन आता है। देखिए, आपको पढ़ाने से पहले आपको दिखा देते हैं कि ये एप्लीकेशन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कितना बार पूछा गया है। देख सकते हैं कि ये 2024, 2023, 2020, 2019 यहाँ तक कि 2018 के पेपरों में ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, आप सभी को एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या होता है कि कैसे आप एप्लीकेशन लिखें जिससे एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटे। देखिए, कई छात्र तो होते हैं एप्लीकेशन याद होता है लेकिन वो एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका नहीं जानते हैं, जिससे वो बोर्ड के एग्ज़ाम में सही तरह से एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, जिससे उनको अच्छा नंबर नहीं मिल पाता है और उनके कुछ नंबर कट जाते हैं। आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे, उनको भी ध्यान में रखते रहिएगा आप। अब देखिए, आज आप सभी को एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो आप किस प्रकार से इस एप्लीकेशन को लिखेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आप देखिए, बहुत सिंपल सा, बहुत शार्ट तरीका से बताएंगे। बस इस एप्लीकेशन को आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए, ये क्या होता है, आपका आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज डेट। देखिए, यहाँ पर डेट लिखा रहेगा। फिर इसके बाद है कि द कॉलेज लाइब्रेरी इज़ लैकिंग इट्स फंक्शन, यानी कि इसका कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि अपने कॉलेज में या लाइब्रेरी की व्यवस्था आपको कराना है, तो आप अपने प्रिंसिपल को किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। देखिए, लिखने का सही तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे स्टेप टू स्टेप बता रहे हैं, इस तरह ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा टू, यहाँ पे टू लिखिएगा। लिखने के बाद यहाँ पे कामा कर दीजिएगा। देखिए, एक सेकंड के भी लिए स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, इसलिए कि हर जगह हर स्टेप में आपको नंबर मिलता है यहाँ पर, तो हर स्टेप को ध्यान से सुनते चले जाइएगा। अब देखिए, यहाँ से लिखिएगा टू द। अब किसको लिखना है, देखिए यहाँ पर, देखिए प्रिंसिपल को लिखना है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे कामा दीजिएगा। अब कामा देने के बाद देखिए, आप अपने कॉलेज का नाम या यहाँ पे कुछ भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। जैसे चलिए, यहाँ पे हम कॉलेज का नाम लिख देते हैं GCIC इंटर कॉलेज लिख देते हैं, इंटर कॉलेज, कॉलेज कामा कर दीजिएगा। फिर आप देखिए, आप क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हम गाजीपुर लिख देते हैं। आपको इच्छा करेगा तो प्रयागराज लिख दीजिए, इलाहाबाद लिख, प्रयागराज लिख दीजिए, साथ में कानपुर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। इतना टू द प्रिंसिपल GCIC इंटर कॉलेज गाजीपुर हो गया। अब यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट लिखिएगा तो कहाँ से लिखना है, ये टू के नीचे से यहाँ बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है। सब्जेक्ट देखिए, जिस पे आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, देखिए एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी है ना, इसी को सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन फॉर लिखिएगा। क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, यानी जिस पे आप यहाँ फुल स्टॉप कर दीजिएगा और इसको आप छोड़ दीजिएगा यहाँ से। अब देखिए, आपको क्या करना है कि अब यहाँ से लिखना है आपको सर। तो देखिए, जहाँ सब्जेक्ट लिखे यहीं से स्टार्ट किए, यहाँ पे लिखिएगा सर। सर लिखने के बाद यहाँ पे कामा कर दीजिएगा। अब कामा करने के बाद देखिए, अब आपको कैसे लिखना है, जो बताएंगे वही लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आपको एप्लीकेशन नहीं बताएंगे। अब देखिए, इसके बाद ये कामा लिखे, यहाँ से लाइन छोड़ के थोड़ा सा यहाँ से लिखिएगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली। क्या लिखना है, यहाँ से मोस्ट रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली लिख लीजिएगा। और यहाँ पे फिर इसके बाद कामा दीजिएगा। देखिए, कामा जो दिया जा रहा है इसी को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना। अब लिखना है आई बेक टू से डेट, आई बेक टू से डेट, ठीक। यहाँ पे लिखिए आई बैक टू से डैट, और यहाँ पे देखिए जितना पेज रहेगा सब पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देयर इज़ नो लिखिएगा, देयर इज़ नो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए यहाँ से ध्यान दे, देखिए यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना। अब क्या लिखना है, जब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो आप यहाँ से जहाँ सर लिखें यहाँ से नीचे से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा लाइब्रेरी, क्या लिखेंगे, लाइन छोड़ के लिखना चाहे तो लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं आप, हैं ब्रेरी, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिएगा इन आवर कॉलेज, क्या लिखेंगे कॉलेज, कॉलेज कैंपस, ठीक, कैंपस कैंपस, और यहाँ पे कर दीजिएगा फुल स्टॉप, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, यहाँ से का दो लाइन और जोड़ लीजिएगा, लिखिएगा क्या कि लाइब्रेरी इज मेन, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे लिखिएगा सोर्स ऑफ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आगे नहीं लिख सकते हैं इसके आगे ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ लाइब्रेरी जहाँ से यहाँ से लिखिएगा नॉलेज, नॉलेज लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कर दीजिएगा फुल स्टॉप। जैसे फुल स्टॉप करेंगे अब आगे क्या लिखना है, लिखिएगा लाइब्रेरी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी, यहाँ पे क्या लिखे फॉर लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे फार हो गया, फार के बाद लिख रहे इवरी कॉलेज। चलिए देखिए यहाँ पे कॉलेजेस नहीं हट पाएगा तो आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से कॉलेज सो डैट ऑल स्टूडेंट, ठीक। और यहाँ पे लिखिएगा आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा में बी और बेनिफिट्स, यहाँ पे लिखिएगा बेनिफिट्स, यहाँ पे देखिए बेनिफिट, और यहाँ पे कर दीजिएगा फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ तक इसके लाइब्रेरी के बारे में बता दिए। अब इसके बाद देखिए आपको लिखना है ना, अब जैसे लाइन यहाँ कंप्लीट हो गया, अब जैसे यहाँ से लाइन छोड़ के लिखना रहेगा तो कहाँ से लिखेंगे, अब ये मोस्ट के नीचे से यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और चाहे तो एक लाइन ये छोड़ भी सकते हैं, चलिए एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखे, जगह रहेगा तो छोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से चलिए लिखते हैं, लिखेंगे डियर, यही सब ना लिखते समय इन्हीं पॉइंटों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। डियर फॉर कामा, फिर इसके बाद लिखिएगा आई रिक्वेस्ट यू प्रोवाइड द लाइब्रेरी, अब यहाँ पे लिखिएगा द लाइब्रेरी लिख लिए फैसिलिटी, फिर यहाँ पे नहीं हो पाएगा यहाँ से लिख देते हैं, जब यहाँ से लाइन कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ से लिखिएगा फैसिलिटी इन दिस सेशन, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिएगा फुल स्टॉप, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, देखिए लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखिएगा योर्स ओबिडेंटली लिख लेंगे। अब यहाँ पे XYZ डाल दीजिएगा, ठीक है। नाम लिखा नहीं जाता, आप सभी को पता है, तो यहाँ पे नाम मत लिखिएगा। और यहाँ पे क्लास लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे क्लास 10 में है तो यहाँ पे क्लास लिख दीजिएगा, क्या यक्स मतलब होता है 10, यह लिख लीजिएगा। और इधर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे डेट डाल दीजिएगा, डेट यानी जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिखिएगा वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको पूरा एप्लीकेशन लिखना था। तो ये जाके आपका कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन। आप स्टार्टिंग से एक बार देख सकते हैं, देखिए कैसे लिखा गया है। इसी तरह आपको लिखना है, इसको एप्लीकेशन को लिख लीजिए। लिखने के बाद इसको याद कर लीजिए। यही एप्लीकेशन बार बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से आपको हिंदी में पत्र लिखने के लिए, इंग्लिश में आपको जो एस्से आता है, इसके साथ में आपको लेटर या पत्र लिखने के लिए आता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप सभी को डेली बाय डेली कराते रहते हैं, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही कराते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप देखा कीजिए और फुल वाच वीडियो किया कीजिए। और देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जब पढ़ाया जाता है तो इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक के सभी पॉइंटों का आप कॉपी पर लिख के याद किया कीजिए। ठीक है, खाली देखने से कोई चीज़ नहीं याद होता है, तो आप इसको लिख के याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।